ये तकरीबन 10 दिन के बाद डीसी साहब से मीटिंग है प्राइस कंट्रोल के हवाले से। इंशाल्लाह वहाँ पे हम ये इशू उठाएंगे। रेलवे की जगह आगे वहाँ पे उनसे कहेंगे कि इसको कोई पार्किंग स्टैंड बना दिया जाए। बाज़ार में दाखिल हुए तो लोगों ने फूलों की पत्तियों से, मालाओं से हमें लाद दिया है और जगह जगह पानी की सबीलें बनाए हुए थे। कहीं शिकंजबीन बना हुआ था, कहीं सूखा बिलंदों का पानी बना हुआ था, कहीं बोतलें, कहीं जूस, कहीं मिल्क शेक, कहीं जूस के डब्बे। उनसे ज़ियाफ़त की गई हमारे तमाम साथियों की। अलबरका उर्दू की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं अलबरका उर्दू। आज अलबरका उर्दू की टीम मौजूद है मेन बाजार दरिया खान में। दौरान सर्वे जी जो है हमें पार्टी मिली है जो सर्वे कर रही थी, इस टाइम अपनी कैंपेन कर रही थी। इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर इनकी कैंपेन कैसी जा रही है, किस हद तक मुतमईन है ताजिरान इनकी कारकर्दगी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। सर, सर्वे के मुताबिक आपको क्या लगता है कि ताजिरान आपसे किस हद तक सेटिस्फाइड? आप बहुत अरसा हो गया आपको यहाँ पे विज़िट करते हुए, लोगों के इंटरव्यूज लेते हुए, आपको भी अच्छी तरह महसूस हो रहा होगा कि बाज़ार में क्या पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जिस रोड का भी विज़िट किया है, अल्लाह ताला से डर के कहते हैं इंशाल्लाह हमारा मुकाबला नहीं है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा सर, अगर जैसे कि अभी आपने कहा कि हम सर्वेस करते रहे हैं, हमारी सर्वे के मुताबिक सर कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि जैसे गल्लू मार्केट में जो है वह पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है, तो वो ये चाहते हैं वहाँ के ताजिरान के उसको सॉल्व किया जाए, तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखो, ये है गवर्नमेंट का इशू, हम इंशाल्लाह डीसी साहब से बात करेंगे, वहाँ पर जगह भी है सर, लेकिन ताजिरान की बात आगे पहुँचाना तो आपका नहीं। वो इंशाल्लाह हम ये तकरीबन 10 दिन के बाद डीसी साहब से मीटिंग है प्राइस कंट्रोल के हवाले से। इंशाल्लाह वहाँ पे हम ये इशू उठाएंगे। रेलवे की जगह आगे वहाँ पे उनसे कहेंगे कि इसको कोई पार्किंग स्टैंड बना दिया जाए। और सर, अगर सर्वे इसकी सीवरेज के लिहाज से बात की जाए, मेन बाज़ार की जो गली है उसके हवाले से क्या कहें? ये सीवरेज जो है ना जी, पहले रॉ इमदाद हाउस से लेकर ना जी, हमने अलहदा सेपरेट एक बारिश के लिए सर्वे करवाया था, फिर वो बिछ भी गई थी सेवरेज, लेकिन वो ठेकेदार की वजह से बैठ गई थी। उसके बाद दोबारा हमने अपना ये इरफानुल्लाह खान के दौर में दोबारा सर्वे करवाया था, लेकिन बदकिस्मती हुआ हुकूमत टूट गई। अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे भाई वो बन जाए। सर, इस टाइम आप अपना पहला टारगेट क्या रखते हैं कि अगर आप अल्लाह करे कि आप इक्तदार में आएँ, अगर आप इक्तदार में आते हैं तो सबसे पहला टारगेट आप क्या रखते हैं कि आपने किस तरीके से ताजिरान का, ऐसा कौन सा मसला है जिसको आप सबसे पहले सॉल्व करें? दरिया खान में मसाइल तो काफ़ी है, लेकिन हमारी कोशिश होगी भाई जो ये जिस तरह आपने पार्किंग का कहा, सेवरेज का कहा, टफ टाइल का कहा, चूँकि ये होते हैं गवर्नमेंट की ग्रांटों से, MPAs की ग्रांटों से, हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट का जो भी MPMNA होगा उससे इंशाल्लाह लेकर ये हम अपना मामलात हल करेंगे। और वैसे भी पहले भी ना जी, ये जो पार्क वगैरह था या रोड्स थे, दुलाला रोड है, वो हमने मंजूर करवाया था, लेकिन बदकिस्मती है हुकूमत चली गई। अब देखो नेक्स्ट MP आया है, अब वो क्या करते हैं। अभी तक हमने आपको दिखाया, बात की हमने यंग इत्तेहाद ग्रुप जो है उससे, उनके जो है सदर से हमने बात की, अब हम बात करेंगे जी जनरल सेक्रेटरी मलिक नज़ीर खेमटा साहब से भी, इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि इनका सर्वे के मुताबिक क्या है कि अभी तक कितनी जो आवाम है या कितने ताजिरान जो है वो इनकी सपोर्ट में है, और कितने ताजिरान अगर NT भी हैं तो आखिर क्यों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे, अभी तक ताजिरान किस हद तक सेटिस्फाइड हैं, इसके अलावा जो NT हैं उनको क्या पैगाम देना चाहिए? बस इसमें यह है जी कि मैं तकरीबन 10 दिन से इधर शामिल हुआ हूँ कैंपेन में, और जहाँ भी गया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ताजिरान ने बहुत पज़ीराई बख्शी और अपनी मोहब्बतें हमें दी हैं। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं, चूँकि 2 माह पाकिस्तान से भी बाहर रहा हज के सिलसिले में,
तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक उनको खुश रखे, मेरे भाइयों को, मेरे ताजरों को, कि उन्होंने हमारी सबका कारकर्दगी देखते हुए हमें अपनी मोहब्बतें दी हैं और मैं उनकी मोहब्बतों का मकरूज रहूँगा। जहाँ भी गया हूँ तो वालेहाना इस्तकबाल हुआ है और तमाम लोगों ने यह कहा कि हम सिर्फ वोटर नहीं बल्कि आपके सपोर्टर भी हैं। और आज जब हम बाज़ार में दाखिल हुए तो लोगों ने फूलों की पत्तियों से, मालाओं से हमें लाद दिया है और जगह जगह पानी की सबीलें बनाए हुए थे, कहीं शिकंजबीन बना हुआ था, कहीं सूखा बिलंदों का पानी बना हुआ था, कहीं बोतलें, कहीं जूस, कहीं मिल्क शेक, कहीं जूस के डब्बे, उनसे ज़ियाफ़त की गई, हमारे तमाम साथियों की ज़ियाफ़त की गई। उससे पहले हमारा एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है फर्नीचर मार्केट में, वहाँ भी काफ़ी तादाद ताजरों की शामिल हुई है। तो मुझे ये यकीन कामिल है अल्लाह पाक की ज़ात है कि इंशाल्लाह कामयाबी चांद पैनल की ही होगी। पता आपको सामने नजर आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर अपने कीमती वक्त के लिए। सुनो, देखो और बोलो अल बरका उर्दू।